नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इससे राज्य में खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, प्रदेश में क्रिकेट का अच्छा माहौल बनेगा, सबके लिए वो प्रेरणा बनकर काम करेंगे। ऋषभ जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को प्रारंभ किया और आज के समय में जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं, अभाव हैं, ज़रूरतें जिनकी पूरी नहीं हो पाती हैं, ऐसे लोग जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं, उनके लिए एक ये रोल मॉडल हैं और इन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि स्थितियां चाहे कुछ भी हो, अगर संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, आगे बढ़ने की अगर इच्छा शक्ति दृढ़ है तो कोई भी बाधा रोक नहीं सकता। तो इन्होंने आज पूरी दुनिया के अंदर एक मुकाम बनाया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। हमारे उत्तराखंड देवभूमि के लाल हैं और इनको हमारी सरकार ने तय किया है कि हम इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर रहे हैं और उसके पीछे हमारा हेतु है कि जहाँ इन्होंने देश दुनिया के अंदर भारत का और हमारे देवभूमि का नाम ऊंचा किया है, साथ ही साथ जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, हमारे नए बच्चे हैं, नए आने वाली पीढ़ी है, वो सब इनसे प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं जब 18 साल के थे, जब इन्होंने अक्टूबर सन 2015 में दिल्ली में रणजी ट्रॉफी अपनी करियर की शुरुआत की और दूसरी पारी में अर्धशतक बनाया। 2016 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत का नेतृत्व करने के लिए ये नामित किए गए। ऋषभ पंत बांग्लादेश में सन 2016 अंडर 19 विश्व कप में 267 रन बनाकर भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति भी बने। सामान्य स्थितियों में जो मैंने अपनी बात शुरू की थी, गुरुद्वारे में रहकर क्रिकेट प्रैक्टिस करने वाले ऋषभ ने अपने संघर्ष के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर आज एक मजबूत मुकाम हासिल किया है और मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले समय में वो सभी नौजवानों के लिए क्रिकेट के क्षेत्र में हो या खेल के अन्य क्षेत्रों में हो, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि हर क्षेत्र में आज भारत आगे होना चाहिए। भारत जहां हर क्षेत्र में आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, ऐसे में खेलों के क्षेत्र में ऋषभ जैसे हमारे नौजवान सभी को प्रेरणा देकर सबको आगे आने के लिए प्रेरित करेंगे। एक अच्छा क्रिकेट का अच्छा माहौल बनेगा, पूरे हमारे प्रदेश के अंदर भी बनेगा, देश के अंदर तो बन ही रहा है, सभी के लिए वो प्रेरणा बनकर काम करें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं सब ऋषभ से रिक्वेस्ट करूंगा। वहीं उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर क्रिकेटर ऋषभ पंत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से सोचता था कि अपने प्रदेश के लिए कुछ करूंगा, अब मौका मिला है कुछ करने का तो युवाओं को प्रेरित करूंगा और युवाओं के विचार जानने की कोशिश भी करूंगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू सीएम सर, धामी सर ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट। जब से बचपन में एक चीज सोचता था कि यार अपनी स्टेट के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या, कंट्री के लिए जरूर खेलना था बट स्टेट के लिए कुछ करने का कभी मौका नहीं मिला, तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को सर ने दी, तो थैंक यू सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू मी। बट मेरे को लगता है कि उत्तराखंड में टैलेंट बहुत है, धीरे धीरे बहुत निखार आ रहा है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं बाकी सारे स्पोर्ट्स भी। अभी कॉमनवेल्थ गेम में इतने सारे मेडल्स हमारे आए, सिर्फ स्पोर्ट्स की दुनिया में क्रिकेट ही नहीं बाकी सारे स्पोर्ट्स को भी वैल्यू मिलनी चाहिए, ये मेरा बिलीव है। और धीरे धीरे सर की हेल्प लेके हम लोग उत्तराखंड में सारे स्पोर्ट्स, सारे यूथ को इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे कि वो स्पोर्ट्स को लें और अपने स्टेट को प्राउड फील कराएं। तो मेरे लिए से बड़ी कोई बात नहीं हुई आने वाले सालों में कि अपनी स्टेट के लिए मैं कुछ कर पाऊं, अपने यूथ के लिए कुछ। देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश कार्यालय में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बहनों ने हरीश रावत की कलाई पर राखी बांधी और माथे पर टीका लगाया और उनके लंबी उम्र की कामना भी की। तो वहीं हरीश रावत ने भी बहनों को उपहार दिया।
जी, आज बहनों ने पहले कांग्रेस तिरंगे झंडे पर राखी बांधी, फिर कांग्रेस के ध्वज पर राखी बांधी और उसके बाद मेरे हाथ में भी राखी बांधी। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि मामले में अभी तक एसटीएफ 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि जिन विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुसूचित साधन का प्रयोग किया गया है वो खुद कार्यालय आकर अपने बयान शीघ्र दर्ज कराएं। दिसंबर 2021 को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा एक परीक्षा आयोजित की गई थी जो स्नातक स्तरीय परीक्षा कहलाई जाती है और जिसमें सब इंस्पेक्टर या उसके इक्विवेलेंट, सब इंस्पेक्टर तो नहीं था एग्जाम, उसके इक्विवेलेंट पदों पर जो है भर्तियां होती हैं इसके माध्यम से। और ये परीक्षा में कुछ समय बाद इस पर सवाल लगने लग गए और बेरोजगार संगठनों ने भी और सोशल मीडिया में भी इस पर जो है उंगलियाँ उठी। तो बेरोजगार संगठन जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने, जैसा उनका एक ड्रीम है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाया जाए, उसी को का संज्ञान लेते हुए मुझे आदेशित किया कि इसमें FIR करा करके आगे की कार्रवाई की जाए। और तब 22 जुलाई को इसमें FIR हुई। ठीक है, पहले 420 धारा में FIR हुई, सेक्शन 420, और धीरे धीरे उसमें 467, 468, 471 ये सब सेक्शंस भी जुड़ गए। पहले फ्रॉड की थी, फिर इसमें धीरे धीरे फोर्जरी भी जुड़ गई। तो आपको बता दें कि हमने इस विवेचना की गंभीरता को समझते हुए इस केस को, पेपर लीक मामले को, इसको STF को दिया और STF की टीम ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है अभी तक। और वहीं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में सर्जरी विभाग की ओर से 13 से 14 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर की शून्य चिकित्सा से जुड़ी कार्यशाला का आयोजन होगा। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में लेप्रोस्कोपिक दूरबीन के माध्यम से मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसमें शून्य चिकित्सा से संबंधित जितने भी रोग हैं उनका इलाज निःशुल्क होगा। ये कार्यशाला 13 और 14 को 2 दिवसीय कार्यशाला है और पहले दिन इसका शुभारंभ होगा और इसमें 5 जो हमारे जो सर्जन हैं, जो देश के जो है नामी सर्जन हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, एक डॉक्टर जुगिंद्रा जो मणिपुर से आ रहे हैं, एक डॉक्टर तमुनाश चौधरी जो कलकत्ता से आ रहे हैं, एक डॉक्टर देवोर्षी शर्मा जो दिल्ली से आ रहे हैं, एक डॉक्टर निखिल सिंह वो लखनऊ से आ रहे हैं, एक डॉक्टर सूर्यवंशी जो कि महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो इनके द्वारा जो है ये समस्त जो है दूरबीन के ऑपरेशन जो है किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें दून मेडिकल कॉलेज में चिकित्सालय में सर्जरी विभाग की ओर से 13 से 14 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर की शैल चिकित्सा से जुड़ी कार्यशाला का आयोजन होगा जिसमें लेप्रोस्कोपिक दूरबीन के माध्यम से मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वहीं इस मशीन के द्वारा शैल चिकित्सा से संबंधित जितने भी रोग हैं उनका इलाज किया जाएगा। वहीं रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर बहनें अपने भाइयों से मिलने पहुंची। हल्द्वानी में भी रोडवेज स्टेशन में महिलाओं की भीड़ लगी रही। रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए कई शहरों में महिलाएं हल्द्वानी पहुंची, जिसके बाद उनकी अल्मोड़ा, खैरना, पिथौरागढ़, बागेश्वर जाने के लिए काफ़ी समय तक बसों का इंतजार करना पड़ा। उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा लगाई गई बसें यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नाकाफी दिखी। यात्रियों ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा प्रबंध किया गया वो अच्छा तो है, लेकिन निगम के पास यात्रियों के लिए पर्याप्त बसें नहीं हैं।
बस सेवा उत्तराखंड की सीमा के अंदर फ्री कर रखी है और राखी के त्यौहार को देखते हुए लोकल सर्विसेज हमने काफ़ी बढ़ा रखी है जिसमें कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्री सेवा का लाभ ले सकें। सर में कुछ महिलाओं को यहाँ पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, उनका कहना है कि हम 2 से 3 घंटा में लेकिन बस परिवहन विभाग द्वारा यहाँ पे लगातार बात तो की जाती है लेकिन ये अखबार और टीवी तक ही रहती है लेकिन धरातल में कोई काम नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे पास हमने अतिरिक्त सेवाएं जो है लोकल में चलाई है, थोड़ा भीड़ की वजह से किसी टाइम पर थोड़े से पीरियड के लिए तो कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अदरवाइज हमने बस सर्विसेज 1.5 घंटे से खड़े हैं लेकिन यहाँ कब तक से रन की थी कोई गाड़ी नहीं है, फ्री करने का क्या फ़ायदा जब थोड़े ही लोगों को इसका फ़ायदा हुआ लेकिन कल ये अखबार में जरूर छपेगा कि हमने इतने लोगों को फ़ायदा दिया, आधे लोग तो ऐसे ही हैं यहाँ खड़े हैं तब से 1.5-2 घंटे से कोई फ़ायदा नहीं मिला है यहाँ पे, होना चाहिए था आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बहनों को अपने भाइयों के पास जाना था तो हम लोग यहाँ खड़े हैं। सर बहुत अच्छी व्यवस्था है, निःशुल्क है, पहले तो बड़ी बात ये आज महिलाओं के लिए राखी स्पेशल एक वो है शायद इनिशिएटिव अच्छा है ये गवर्नमेंट का, हम लोग फ्री आए हैं और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, बस ऐसा भी नहीं है कि कोई भरी हुई बस है, बहुत अच्छे से आए हैं, बहुत अच्छे से बस आई है। रक्षाबंधन अपने अल्मोड़ा जाना था लेकिन मुझे 2 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े हुए, अभी तक बस नहीं आई है। परिवहन विभाग द्वारा लगातार यहाँ पे बात करी जा रही है कि बहनों को निःशुल्क हम बसें उपलब्ध कराएंगे, तो बहनें टाइम पे अपने घर पहुँचे, कैसा ये व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? व्यवस्था तो ऐसी ढीली ढाली लग रही है, कुछ अभी बस ही नहीं आ रही है, 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं, बरेली से आ रहे हैं हम लोग, अल्मोड़ा जाना है, अभी 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए, अभी ये बस ही नहीं आई है रोडवेज की। बरेली से आप रोडवेज में आए? जी। वही हल्द्वानी में बीजेपी महिला मोर्चा ने कोतवाली पहुंचकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब लोग त्यौहार मना रहे होते हैं तब पुलिसकर्मी और सेना के जवान हमारी रक्षा के लिए ड्यूटी पर डटे रहते हैं, इसलिए हम महिलाएं हमारी रक्षा सुरक्षा पुलिसकर्मी भाइयों को राखी बांधने के लिए आए हैं, जिसको लेकर पुलिसकर्मियों ने भी महिलाओं को रक्षा का वचन दिया। नगर में हम लोग हल्द्वानी कोतवाली आए और सभी जो है हमारी नगर हल्द्वानी की बहनें हैं जो इसमें शामिल हुई। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने पुलिस स्नेह सूत्र कार्यक्रम का नाम दिया, जिसमें हम लोग स्नेह का एक पवित्र धागा आपसे रक्षा के लिए जो बांधते हैं वो रक्षा आप हमेशा हमें देते ही रहते हैं और आज क्योंकि ये पवित्र त्यौहार है तो इसमें आपने आज हम लोगों को देने का वचन दिया है और हम लोगों ने राखी बांध करके एक स्नेह सूत्र का। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उप जिलाधिकारी नरेश चंद दुर्गापाल की अध्यक्षता में मसूरी की कचहरी परिसर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर तय किया गया कि 12 अगस्त को सर्वे मैदान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि सभी स्कूल के अध्यापक अपने अपने स्कूलों से 25 से 50 बच्चे तिरंगा रैली में लेकर आएंगे, इस दौरान यातायात को भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए मौके पर पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। वहीं जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे स्कूली विद्यार्थियों के लिए जल की व्यवस्था करेंगे। एक्चुअली जो प्रोग्राम इस तरह है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें जो घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है उसमें हमें 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रत्येक घरों में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज हमारा वो फहराया जाना है, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए और लोगों में जो हमारी ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी की भावना जागृत करने के लिए हमने सभी स्कूलों के साथ ये तय किया है कि वो 12 तारीख के दिन एक प्रभात फेरी या तिरंगा यात्रा की शक्ल में शहर के अंदर एक खूबसूरत यात्रा निकालेंगे जिसमें राष्ट्रीय तिरंगा लेकर बच्चे देशभक्ति के नारे लगाते हुए मसूरी की माल रूट पर मार्च पास करेंगे। उसमें मैंने मसूरी के सभी स्कूलों से अनुरोध किया है तो सभी स्कूल अपने बच्चे और अपना बैंड अपना जो स्कूल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके साथ इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे जो तिरंगा रैली होगी, और ये इसका पर्पज है कि लोगों में
आजादी के प्रति। वहीं उत्तराखंड के मंगलौर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की ओर से नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 92 ग्राम स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 4 लाख रुपए से अधिक की कीमत बताई जा रही है। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान ने बताया कि आरोपी क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करता था और अधिकतर युवाओं को स्मैक की तस्करी करता था। एक सूचना के आधार पर कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा टाना बनेड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति से 92.05 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसको जो आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया था, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसमें इसके बड़े भाई की संलिप्तता जो तनवीर नामक व्यक्ति है उसकी भी आई है। तनवीर को भी कुछ दिनों पहले ही मंगलौर पुलिस ने स्मैक के कब्जे से बरामद हुई थी, उसमें जेल भेजा था, इसमें वंचित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध। वहीं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तिरंगा यात्रा के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां इस यात्रा में करण महरा ने शिरकत की, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की और शहीद पार्क से लेकर गांधी पार्क तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज़ादी के बाद तिरंगा की अखंडता को लेकर राष्ट्रीय पर्व पर निकलते हुए आई है, जिस पर बीजेपी की सरकार ने देश को आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई की आग में आम जनता का जीवन दुर्भर कर दिया है। आम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर चौपाल लगाकर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। हम तो हमेशा से तिरंगा यात्रा निकालते रहे हैं और राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाते रहे हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। इस बार हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक फैसला किया कि भारत जिस खतरे से जूझ रहा है, जो दिक्कतों से जूझ रहा है, जो हमारी व्यवहारिक दिक्कत है, उन पर हम लोगों से चौपाल लगा के चर्चाएं करें और झंडे का मान बढ़ाने का काम करें, क्योंकि देश इस समय बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दूध, छाछ और आटे जैसी चीज़ों में आज टैक्स लग रहा है, जो किसी दुर्दांत से दुर्दांत राजा ने भी नहीं लगाने की हिम्मत करी। आज हमारी इकोनॉमी डूब गई है और हमारे बच्चे, लड़के, लड़कियां घर में बेरोजगार पड़े हैं, महंगाई चरम पे है, लोगों का जीना मुहाल हो गया। इन सभी विषयों पे, चाहे वो भर्ती को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे नीति निर्धारकों ने, नेहरू जी, पटेल साहब, इन सब ने जिन इंस्टीट्यूट्स को खड़ा किया, जिन संस्थानों को खड़ा किया, उनको एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेचने का काम कर रही है। इन सब चीज़ के लिए जनता को जागरूक करने का काम हम इस यात्रा में कर रहे हैं, जो 9 अक्टूबर से 15 अगस्त तक है। दूसरी यात्रा हमारी 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। 2 अक्टूबर से यात्रा 3600 किलोमीटर चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उन्होंने भारत का झंडा जब बना, उस दिन से उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था तिरंगे का, और नागपुर के कार्यालय में झंडा नहीं फहराया। कांग्रेस के 3 सिपाहियों ने जब ये देखा कि राष्ट्र में सब जगह हमारा भारत का झंडा फहराते हैं, तो उन्होंने नागपुर के कार्यालय में जाके झंडा फहराया 2001 में। 2013 को वो फैसला आया, 11 साल उन लड़कों को मुकदमा झेलना पड़ा और आखिर में कोर्ट ने उन लड़कों के पक्ष में अपना फैसला दिया। तो उनके अध्यक्ष का ये कहना कि जो अपने घर में, अपने कार्यालय में झंडा नहीं लगाता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। RSS, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी। वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का हालिया बयान चर्चा में है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस घर में तिरंगा लहराता हुआ नहीं दिखाई देगा, उस घर की तरफ विश्वास की नज़र से नहीं देखा जा सकता। अब इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और आप उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। शक की नज़र से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटके हैं। ये तिरंगा आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। हम आह्वान कर रहे हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर नागरिक से, पत्रकार बंधुओं से, स्कूल के छात्रों से, सबसे मेरा निवेदन है हर घर में तिरंगा। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान बड़ा ही बचकाना है। मैं बचकाना इसलिए कह रहा हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर होते हुए उन्हें कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। उनका ताज़ा बयान कि उन घरों की पहचान होनी चाहिए जिन पर तिरंगा नहीं है, मैं आज
इस पूरे पहाड़ में जब घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश लोग अपने घरों पर तिरंगा नहीं लगा पाए हैं। इसलिए नहीं लगा पाए हैं कि शायद उनके कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, लोगों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ, बड़ी गिरावट आई। माननीय भट्ट जी, हम सब देश प्रेमी लोग हैं। यहाँ उत्तराखंड में रहने वाला, इन पहाड़ों में रहने वाले तमाम लोग देश से अगाध प्रेम करते हैं। और अगर आपको वास्तविक पता उन लोगों का चाहिए कि जो जानबूझकर घरों पर तिरंगा नहीं लगाते हैं, तो उनका पता नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। आप वहाँ जाइए और वहाँ आपको उस मनसा के लोग मिलेंगे जो जानबूझकर राष्ट्रध्वज को। बीजेपी उत्तराखंड के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कहते हुए पाए जाते हैं कि जिन घरों में तिरंगा नहीं लहराया जाएगा वो देशभक्त नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत सारे सुदूर गांव के लोग हैं जो तिरंगा लहराना चाहते हैं, लेकिन वो इतना दूर रहते हैं कि तिरंगा उनकी पहुंच से बाहर है। और सबसे बड़ी बात, आपका एक बड़ा संगठन जिससे कि आपकी बीजेपी निकली है, उसके मुख्यालय में तो शायद आज तक भी तिरंगा नहीं लहराया गया। और आप लोगों ने जो तिरंगे का जितना अपमान किया है, उतना अपमान इस देश के किसी नागरिक ने नहीं किया। लेकिन चूंकि अब आप भगवा भक्ति से बाहर निकलकर तिरंगा भक्ति की तरफ आ रहे हैं, अच्छा कदम है, लेकिन जिस तरीके की बात आप लोग कर रहे हैं वो आपके मानसिक दिवालियेपन को दिखाती है। हर हिंदुस्तानी के हाथ में तिरंगा है, हर हिंदुस्तानी के हृदय में तिरंगा है। 75 साल से हम लोगों ने, बहुत सारे नियम कानून थे तिरंगे के लिए, हम लोगों ने अपने घरों में तिरंगा नहीं लहराया, तो क्या हिंदुस्तानी देशभक्त नहीं थे? क्या तब देशभक्त नहीं थे और आज अगर तिरंगा लहराएंगे तो क्या आज देशभक्त है? तिरंगा हमारी संस्कृति है, तिरंगा हमारी देशभक्ति है, लेकिन तिरंगा जबरदस्ती नहीं है। तो महेंद्र भट्ट जी, आपको इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हर हिंदुस्तानी देशभक्त है और हर हिंदुस्तानी के हृदय में तिरंगा है और हर हिंदुस्तानी के घर पर आप तिरंगा पहुँचाइए, हर हिंदुस्तानी उस तिरंगे। वहीं भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज मनाया गया। उत्तरकाशी जिले की पुरोला तहसील में भारी बारिश के कारण तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। देर रात हुई बारिश से कुमोला रोड स्थित 8 से 10 दुकानें पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। यदि बारिश ऐसी ही होती रही तो दुकानें और घरों पर खतरा मंडराता रहेगा। जो आज रात अतिवृष्टि हुई उसके कारण लोगों को अति नुकसान हुआ, इसके लिए मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि लोगों को उचित मुआवजा मिला जाए और आगे भी इनकी देखरेख किया जाए। वहीं भाई बहन के त्यौहार का आज प्रतीक आज मनाया गया, लेकिन उत्तरकाशी जिले के पुरोला तहसील में भारी बारिश के कारण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देर रात हुई बारिश से कुमोला रोड स्थित 8 से 10 दुकानें पानी की चपेट में आ गई और जिसके बाद वह बह गई। गनीमत रही कि कोई और जनहानि नहीं हुई, लेकिन बारिश ऐसी ही होती रही तो जो अगल बगल के घर और समेत जो किराना की दुकानें या फिर और किसी चीज़ों की दुकानें हैं उनके ऊपर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन लगातार कोशिश भी कर रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में पशुओं में पैर पसार रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक की। आपको बता दें कि हरिद्वार में लगभग 35 पशुओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं 1000 पशुओं में लंपी बीमारी फैल चुकी है। मंत्री ने 30,000 वैक्सीन लगाने की भी निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।